गौर करोगे तो ये आप लोगों को ऐसा वाला स्ट्रक्चर देखने मिलता है, और इस वाले स्ट्रक्चर को गोमुख स्ट्रक्चर कहते हैं। जब गाय अपनी गर्दन इस तरह से पीछे घुमाती तो जो एक आकृति तैयार होती। और अगर आप लोग इस किले को देखोगे तो ये किला राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी इतना फैला हुआ है, इतना प्रचंड दिखता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे पहले इस किले को देखते ही इस किले का नाम रखा प्रचंडगढ़। अभी टाइम हो रहा है जी सुबह के बज रहे 8:13। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और अभी हम लोग पहुंच चुके तोरना किले के बेस पॉइंट पे, यानी कि तोरना किले के स्टार्टिंग पॉइंट पे। और आते समय हम लोगों ने गूगल मैप के ऊपर लोकेशन डाला था कि तोरना फोर्ट, तो लोग गूगल मैप ने हम लोगों को राजगढ़ से तोरना किले के लिए एक ट्रैक आता है वो पॉइंट दिखाया। तो गूगल मैप पे आप लोगों को डालना पड़ेगा तोरना फोर्ट ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट, ये डालने के बाद गूगल मैप आप लोगों को सही लोकेशन दिखाएगा। उस झंझट में हम लोगों के बीच में के 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गए और आधा घंटा ऊपर चला गया। और अभी हम लोग पहुंच चुके तोरना किले के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये है पार्किंग, पहले ये वाली पार्किंग अवेलेबल नहीं थी। यहाँ से आधा या 1 किलोमीटर नीचे तक रास्ता बना हुआ नहीं था, अभी पक्का सीमेंट का रास्ता बन चुका है। आप लोग डायरेक्टली किले का 20-30% हिस्सा ट्रैक का जो था वो डायरेक्टली रोड से यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है। तो ये जो आप लोगों को सामने रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है प्रॉपर। और अभी वहाँ पे हम लोगों ने पर्ची फाड़ी जो कि थी 50 रुपये पर्ची, और हर किले पे हम लोगों ने 50-50 रुपये की पर्ची फाड़ी है, कहीं कहीं पर 100 रुपये की पर्ची फाड़ी। और ये है पार्किंग, और जो मैं आप लोगों को रास्ता बता रहा था ये सीमेंट का रास्ता हुआ है, वो सीमेंट का रास्ता 3.5 किलोमीटर का बनाया गया है। लॉकडाउन के बाद से वो स्टार्ट किया गया, इसके पहले नीचे से ही विल्ले गांव से ट्रैक स्टार्ट था। तो तब ट्रैक कंप्लीट करने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, और अभी ट्रैक कंप्लीट करने के लिए 1.5 घंटा लगता है। तो वो रहा सामने किला, और ये स्टार्टिंग में ऐसा वाला रोड है। आप लोग जो सामने देख पा रहे हो ये पूरी सह्याद्री माउंटेन रेंज, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। और धीमी धीमी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है इसलिए अच्छा लग रहा है, वरना चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मेरा पूरा आधा टी शर्ट गीला हो चुका है। हवा चलने की वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। और ये आ गया तोरना किला, और तोरना किला और राजगढ़ किला एक ही पहाड़ पे है। यहाँ से तोरना से राजगढ़ के लिए और राजगढ़ से तोरना के लिए एक ट्रैक भी है 7 किलोमीटर का।
यहाँ से रेलिंग्स, लोहे के रेलिंग स्टार्ट है ताकि आप लोग पकड़ के यहाँ से चल सको। और इस पॉइंट से लिटरली एसी में बैठे जैसा फील हो रहा है। आजू बाजू से दोनों तरफ से पेड़ है, पेड़ पौधे, उनके बीच में से हम लोग चल रहे हैं। लिटरली ऐसा लग रहा है एसी के अंदर बैठे हैं हम लोग, एसी के। ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अभी तक आप लोगों ने जितने भी श्रीमंत योगी के एपिसोड्स देखे उसमें से ये वाला ट्रैक हम लोगों के लिए सबसे हार्ड है। और ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में का सबसे ऊंचा किला माना जाता है तोरना। और इस वाले पॉइंट से प्रॉपर खड़ी चढ़ाई है किले तक पहुंचने के लिए। और ये यहाँ रहा, और ये रहा यहाँ पे किला। काफ़ी पास दिख रहा है लेकिन इतना पैच कंप्लीट करने में हम लोगों की लिटरली फट जाएगी, अभी भी फट चुकी है। ये सामने जहाँ पे मैं उंगली दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे हम लोगों ने हमारी कार वहाँ पार्क की थी। और इतना हम लोग ट्रैक कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी वाटर ब्रेक लिया हम लोगों ने और साक्षी की तो लिटरली फट चुकी है, लिटरली, क्योंकि थोड़ा हार्ड जा रहा है साक्षी को। करके बाद ये सेकंड हार्डेस्ट ट्रैक है मेरा। हाँ राइट, नानी याद आ गई। लेकिन यहाँ से जो नजारा दिख रहा है, बाय गॉड, खतरनाक। और यहाँ पे कौन सा तो डैम है शायद से, इसके पहले वाले शॉट में मैंने आप लोगों को जूम करके दिखाया था। इस डैम का नाम मैं आप लोगों को जाते समय बताता हूँ, गूगल मैप के ऊपर चेक करके बताता हूँ इसका नाम। लेकिन एक नंबर यहाँ पे फील आ रहा है भाई, हवा वगैरह चल रही है और ये खड़ा पैच देख कर फट भी रही है। ये यहाँ पे खड़ा पैच रहने की वजह से रोप लगाई गई है ताकि आप उसका सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ सको, जैसा अभी साक्षी चढ़ रही है। धीरे धीरे धीरे, एकदम धीरे, पोल तो पकड़ या तो रोप तो पकड़, दोनों हाथ से रोप पकड़ के खींचते खींचते अपने को ऊपर जाने का। हाँ चलो, वो गठान 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 जो है ना उसको पकड़ने का, उसका सहारा लेने का और बॉडी ऊपर खींचने की। राइट, गुड गुड गुड। तो ये वाला पैच था, वो प्रॉपर खड़ा पैच है। सांस फूल रही है अभी। और एक बुरी बात, मतलब हम लोगों ने जो बैग लाई थी जिसमें वाटर बॉटल्स, ड्रोन वगैरह रखा हुआ है, उसका एक साइड का जो ये रहता है बंद, वो टूट गया। अच्छे से आप नहीं चुभेंगे ना उसको, हम लोगों ने पिन से तब तक के लिए लगा तो दिया है लेकिन वो पिन बार बार निकल रही है और चुभ रही है। और ये यहाँ पे रहा किला, काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं हम लोग और रिलीफ मिला किले को नज़दीक देखकर। और ये पूरे किले की तटबंदी प्रॉपर दिख रही है अब यहाँ से। प्रॉपर पायरिया स्टार्ट है स्टेयर्स। और यहाँ पे है फोर्ट का पहला दरवाज़ा, आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा। पहले दरवाजे तक स्टेयर्स है, अभी आगे चलकर देखते हैं कैसा है। चलो आते जाओ तो नाम से।
फाइनली किले तक पहुंच चुके हैं हम लोग। तोरना किले पे आप सब लोगों का स्वागत है जी। तो ये आप लोगों को जो सामने दिख रहा है ये है इस किले का सेकंड दरवाजा। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। ये जो आप लोगों को अभी भी दिख रहा है पक्कम खड़ा हुआ दरवाजा, ये है शिवकालीन कंस्ट्रक्शन। शिव 17th सेंचुरी में बनाया गया था ये, और अभी भी जैसे कि वैसा खड़ा हुआ है ये। और अगर आप लोग गौर किया होगा, हम लोगों ने इससे पहले रायगढ़ किला विजिट किया था, लेकिन रायगढ़ किले का व्लॉग इसके बाद आने वाला है। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने सेम स्ट्रक्चर देखा था। अगर आप लोग गौर करोगे तो ये आप लोगों को ऐसा वाला स्ट्रक्चर देखने मिलता है। और इस वाले स्ट्रक्चर को गोमुख स्ट्रक्चर कहते हैं। जब गाय अपनी गर्दन इस तरह से पीछे घुमाती तो जो एक आकृति तैयार होती उस आकृति को गोमुख आकृति कहा जाता है। और उसी तरह का कंस्ट्रक्शन इस दरवाजे का किया गया है। ऐसा कंस्ट्रक्शन करने के पीछे का हेतु ये था कि जब शत्रु यहाँ तक पहुँचता था हमला करने के लिए, शत्रु वहाँ तक पहुँचने के बाद शत्रु को आगे दरवाजा है या नहीं, या अपने मावले यहाँ पे रुके नहीं रुके, ये उनको समझ में नहीं आता था। और इजीली हम लोग उनके ऊपर वार कर सकते थे। तो गोमुख तरह का कंस्ट्रक्शन करने का ये सबसे बड़ा कारण था। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने भी किले खुद से बनवाए उनके अंदर आप लोगों को गोमुख तरह का कंस्ट्रक्शन जरूर देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे दो रास्ते आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, एक है राइट में और एक है लेफ्ट में। यहाँ पे है बुदला माची मेरे राइट साइड में, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में है झुंझार माची। तो आप लोग यहाँ से झुंझार माची देखकर ऊपर से ही बुदला माची की तरफ जा सकते हो। तो आपके प्रेफरेंस के ऊपर आप लोगों को पहले क्या देखना है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को एक नोटिस दिखाई है, यहाँ पे ये लिखा है कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो टूरिस्ट सुबह 9 बजे से लेकर तो शाम के 5 बजे तक गढ़ देखकर नीचे उतर जाओ। यहाँ पे रुकना स्टे करना किले के ऊपर अभी बंद किया गया है, मना ही है स्टे करने के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि राइट जाते हैं, पहले देखते हैं बुदला माची, फिर लेते हैं तोरनाई माता का दर्शन, और फिर देखेंगे झुंझार माची। तो इस वजह से हम लोग ऊपर आए, और यहाँ पर ऊपर आते ही हम लोगों को दो टेंपल दिखाई देते हैं। एक तो ये टेंपल है और दूसरा वाला टेंपल है वहां पे। और इस टेंपल का नाम है मेगाई माता टेंपल, और उस टेंपल का नाम है तोरनेश्वर टेंपल। तो ये दो टेंपल है, पहले लेते हैं जी माता का दर्शन, फिर जाते हैं उस वाले टेंपल में, वहाँ पे मत्था टेकते और फिर चलते आगे।
तो ये आप लोगों को वहाँ पे, मैं जहाँ पे मैं उंगली दिखा रहा हूँ इस साइड में है बुधला माची, और लेफ्ट साइड में जहाँ पे आप लोगों को भगवा झंडा दिख रहा है वहाँ पे है झुंझार माची। तो ये दो माचियाँ यहाँ का मेन अट्रैक्शन है और ये यहाँ के दो टेम्पल। तो अभी आप लोगों को बताता हूँ तोरना किले की इंफॉर्मेशन। तो तोरना किले को तोरना किला क्यों बोला जाता है इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों ने इससे पहले वाले शॉर्ट्स में हम लोग जब चढ़ाई कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे, तब आप लोगों ने हम लोगों के आजू बाजू में दोनों साइड में पौधे देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे, उनको तोरना कहा जाता है। तो उन पेड़ के नाम पे से इस किले का नाम तोरना गिरा। और दूसरा यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने उम्र के 16वें साल में सबसे पहला स्वराज्य के लिए जो किला जीता था वो था ये तोरना किला। तो ऐसा कहा जाता था हिस्ट्री में कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए जो तोरण बांधा तो उस रेफरेंस से इस किले का नाम तोरना रखा गया। अगर आप लोगों को तोरण पता है, जब हम लोग दीपावली में या हम लोगों के जो फेस्टिवल्स होते हैं घर के बाहर जो पत्तों का तोरण लगाया जाता है उसको तोरण कहते हैं। तो इन दो रेफरेंस के ऊपर से इस किले को तोरना कहा जाता है। और अगर आप लोग इस किले को देखोगे तो ये किला राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी इतना फैला हुआ है, इतना प्रचंड दिखता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले इस किले को देखते ही इस किले का नाम रखा प्रचंडगढ़। प्रचंडगढ़ उर्फ तोरना किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीता था 1647 में, यानी कि 1647 में। तब छत्रपति शिवाजी महाराज की उम्र थी मात्र 16 साल। 16 साल की उम्र में उन्हें इतना सब कुछ आता था और उन्होंने 16 साल की उम्र में स्वराज्य के लिए पहला किला जीता था। और हम लोग 16 साल की उम्र में क्या करते हैं तो आप लोगों को बताइए। अपने बस की बात नहीं है, इसलिए तो हम सारे इंडियंस छोड़ो पूरा वर्ल्ड छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना मानता है। तो यहाँ से है झुंझार माची की ओर जाने के लिए रास्ता। ये आप लोगों को जो सामने ब्रिज दिख रहा है ये झुंझार माची नहीं है, इससे भी आगे है झुंझार माची। और ये झुंझार माची की तरफ जाने का रास्ता है। कितना डेंजर मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे पहले स्टेयर्स बनाए हुए नहीं थे, अभी स्टेयर्स तो बना के रखे हुए, सिर्फ पहले दूरी डाल के रखी हुई थी। ऐसा वाला रास्ता है और यहाँ से चलते हुए हम लोगों को जाना है झुंझार माची की ओर। झुंझार माची आप लोगों को मैं ऊपर से दिखाता हूँ आप लोगों को। आगे वो कोने में जो माची दिख रही उसे कहा जाता है झुंझार माची। और झुंझार माची की ओर जाने का रास्ता तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ से दिखा दिया। तो वो है झुंझार माची, इस वाले फोर्ट का आखिरी पॉइंट। चलो तो बुधला माची से लेके तो ये मेरे पीछे झुंझार माची तक, तो इतना बड़ा ये किला है, इसलिए इसको प्रचंडगढ़ कहा जाता है। और इतना बड़ा किला देखने के लिए आप लोगों को बुधला माची तक अगर जाना है, वहाँ से लेके तो झुंझार माची तक, अगर प्रॉपर आप लोग दोनों माची देखना चाहते हो उतर के, तो आप लोगों को 4 घंटे तो प्रॉपर लग ही जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने झुंझार माची भी ऊपर से ही देखी और बुधला माची भी ऊपर से ही देखी, क्योंकि यहाँ से पूरा नज़ारा हम लोगों को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है।
तो होप आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और जितने हम लोगों ने सिनेमेटिक शॉट लिए वो भी अच्छे लगे हो। अब चलते हैं जी नीचे। हम लोग पार्किंग में पहुंच चुके हैं। उतरते उतरते हम लोगों को देर लग गई क्योंकि धूप बहुत हो रही थी और हम लोग धीरे धीरे उतर रहे थे, और धीरे धीरे उतरने का कारण ये था कि झुंझार माची देखकर जब हम लोग वापस आ रहे थे मेन दरवाजे की तरफ, तब मैं फिसल के गिर गया और मेरे हाथ में तब ड्रोन की बैटरी भी थी और एक्शन कैमरा भी था, लेकिन ड्रोन की बैटरी को भी कुछ नहीं हुआ और एक्शन कैमरा को भी कुछ नहीं हुआ और इनको भी कुछ नहीं हुआ बच गए, इसलिए हम लोग धीरे धीरे उतर रहे थे। और अभी यहाँ से हम लोगों ने भैया के घर का लोकेशन लगाया तो 63 किलोमीटर बराबर बता रहे। आते समय हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं डाला था, इसकी वजह से 83 किलोमीटर बताया, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा बता रहा था गूगल। तो हम लोगों को जाते समय गूगल मैप खड़कवासला रूट से लेकर जा रहा है और ये खड़कवासला डैम साक्षी पहली बार देख रही है, जो कि पुणे का काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। कपल्स तो यहाँ पे भर भर के देखने के लिए मिले हम लोगों को, मैंने उसको बताया था पहले से ही। तो अभी यहाँ पे एक ड्रोन शॉट लेते और घर पे चलते। हम लोग घर पहुंच चुके हैं, घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 4 बज गए। अब करते हैं जी इस एपिसोड को एंड। और मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना भूल गया, तोरना किले पे जो हुआ था उसके बारे में, तो वो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमंत योगी के अगले एपिसोड में राजगढ़ किले के ऊपर। इस वाले एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग और ये वाला श्रीमंत योगी का एपिसोड किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे जी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।